जो बोएगा वही पाएगा। आज पूरे 3 वर्षों के बाद विनय अपने देश भारत लौट रहा था और अपनों से मिलने की खुशी से अंदर ही अंदर उत्साहित हो रहा था। उसने अपने आने की खबर की अपने घर वालों को नहीं की थी, क्योंकि वह उन्हें सरप्राइज देना चाहता था। नौकरी के सिलसिले में अमेरिका गया था, लेकिन इन 3 वर्षों में अपने काम में कुछ ऐसा उलझ गया कि वह अपने देश वापस लौट कर नहीं आ सका। एयरपोर्ट पर उतर कर विनय सोचने लगा कि पिछली बार जब मैं उसकी पत्नी ईशा से उसकी बात हुई थी तो उसने बताया था कि माँ की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती, शायद उन्हें शहर की हवा रास नहीं आई, इसलिए कुछ दिनों के लिए वह गांव में रहने चले गए। कुछ समय के लिए उन्होंने शांति काकी के घर पर ही एक कमरा किराए पर ले लिया। विनय जल्द से जल्द अपने माँ और बाबूजी से मिलना चाहता था, इसलिए वह एयरपोर्ट पर उतरकर अपनी पत्नी से मिले बिना टैक्सी करके सीधा गांव के लिए निकल गया। गांव पहुंचकर जैसे ही टैक्सी से बाहर निकला तो गांव की मिट्टी की सुंधी-सुंधी खुशबू उसे अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसका बचपन उसकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह दिखाई देने लगा। शांति काकी के घर जाते हुए वह गांव की एक गली और हर एक नुक्कड़ को बड़े ध्यान से देखता जा रहा था और अपने माता पिता के साथ वहां बिताए हुए अनमोल पलों को याद करता जा रहा था। जब विनय शांति काकी के घर पहुंचा तो उसे देखते ही काकी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। प्रणाम काकी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूं बेटा, तुम लोगों का क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं काकू, ऐसा कहते हुए विनय इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। उसकी नज़रें अपने माता पिता को ढूंढ रही थी। तभी शांति काकी बोली, क्या हुआ विनय बेटा, किसे ढूंढ रहा है? फिर विनय कहने लगा, काकी मेरे माँ बाबूजी कहाँ हैं? बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, क्या आप उन्हें बुला देंगी? विनय की बात सुनकर शांति काकी हैरान रह गई। यह क्या बात कर रहे हो बेटा, मुझे तो कितने साल हो गए तेरी माँ से मिले हुए। यह सुनकर विनय के चेहरे का रंग उड़ गया और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन काकी माँ बाबूजी तो यही गांव में आपके घर पर रह रहे थे ना? नहीं विनय बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, तेरी माँ बाबूजी तो कब से यहाँ आए ही नहीं। यह सुनकर विनय सोच में पड़ गया। फिर बाहर निकलकर विनय ने गांव का अन्य लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला आखिर माँ बाबूजी हैं कहाँ। यह सोचते हुए उसने अपनी पत्नी को फोन लगाकर उससे पूछना चाहा तो पाया कि उसकी पत्नी का फोन स्विच ऑफ था। उसने बहुत बार कोशिश की लेकिन अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाया। थक हार कर विनय वापस टैक्सी में बैठ गया और अपने शहर की ओर निकल पड़ा। विनय को इतना परेशान देखकर टैक्सी ड्राइवर ने उससे उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा तो विनय ने उसे सारी बातें बता दी। जैसे ही वे लोग शहर पहुंचे तो टैक्सी ड्राइवर ने गाड़ी को माता रानी मंदिर के बाहर रोक दिया और कहने लगा, बाबूजी इस मंदिर की बहुत मान्यता है, कहते हैं इस मंदिर में माथा टेक कर जो भी मांगो वो मुराद पूरी हो जाती है। टैक्सी ड्राइवर की यह बात सुनकर विनय भी उस मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में प्रार्थना करने के बाद उसने देखा कि मंदिर के आंगन में बहुत भीड़ जमी थी जमा लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ कुछ लोग द्वारा प्रसाद वितरित किया जा रहा था और वो बहुत से गरीब लोग वहाँ प्रसाद लेकर खा रहे थे। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। वह व्यक्ति मैले कुचले कपड़ों में था, उसके दाढ़ी और नाखून बड़े बड़े हो गए थे, बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह भीड़ में घुस कर प्रसाद लेने की कोशिश कर रहा था परंतु घुस नहीं पा रहा था। वह कमजोर बुढ़ा व्यक्ति बार बार कोशिश करता परंतु भीड़ में टिक नहीं पाता, लेकिन जैसे तैसे कोशिश करने के बाद जब वह प्रसाद लेने के लिए पहुंचा तब तक प्रसाद समाप्त हो चुका था। वह बुढ़ा व्यक्ति निराशा से निढाल होकर वहीं बैठ गया। विनय को उस वृद्ध व्यक्ति पर बहुत तरस आया। वह दौड़कर उनके पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, बाबा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ।
ऐसा कहते हुए जैसे ही विनय खाना लेने के लिए जाने लगा तो एकाएक चौंक गया। उसे एक वृद्ध व्यक्ति में उस वृद्ध व्यक्ति में अपने पिता की झलक दिखाई दी। वह जाते जाते अचानक रुक गया और उस वृद्ध व्यक्ति की ओर गौर से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया हो। वह देखकर दंग रह गया। मैले कुचेले कपड़ों में वह बुजुर्ग व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसके पिता राधेश्याम जी थे, जिनकी आंखें चेहरे के अंदर तक धंस चुकी थी और शरीर कंकाल मात्र रह गया था। विनय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। रुंधे गले से वह बोला, पिताजी आप यहाँ इस हाल में, आपकी यह हालत कैसे हो गई और आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कहते हुए विनय अपने पिता के गले लग पड़ा। तभी राधे श्याम जी ने उसे झटकते हुए कहा, अब क्या लेने आया है मेरे पास, या फिर यह देखने आया है कि तेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए? तभी विनय बोला, नहीं पिताजी ऐसा मत कहिए, मुझे आप लोगों की ऐसी हालत के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तभी राधे श्याम जी बोले, उसे घृणा भरी नजरों से देखते हुए बोले, अच्छा चलो मान लिया कि तुझे हमारी हालत के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन हमें यहाँ आए लगभग 3 महीने बीत चुके हैं। अपनी पत्नी को तो घर पर तू रोज फोन करता ही होगा, क्या तूने हमारे बारे में अपनी पत्नी से पूछना तक जरूरी नहीं समझा? नहीं पिताजी ऐसी बात नहीं है, मैंने ईशा से आपके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए गांव की शुद्ध हवा में रहने की माँ की बहुत इच्छा थी, तो उन दोनों को मैंने कुछ दिनों के लिए गांव भेज दिया है। मैंने उससे पूछा भी था कि माँ बाबूजी कहाँ गांव में कैसे रहते हैं, क्योंकि अब गांव का मकान तो बिक चुका है। तो ईसा ने मुझे बताया कि आप लोग शांति काकी के मकान के किराए में रहते हैं। उसने ये सब बातें मुझे ऐसे बताई तो मैंने भी उस पर यकीन कर लिया। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, विनय ने अपने पिता के पैर पकड़ते हुए कहा और पूछने लगा, माँ कहाँ है पिताजी? तभी राधेश्याम जी बोले विनय को लेकर के सावित्री जी के पास पहुँचे, जो मंदिर के बाहर फुटपाथ पर एक पुरानी सी चादर बिछाकर बैठी हुई थी और राधेश्याम जी का इंतजार कर रही थी। उन्हें देखते ही विनय की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई और रुंधे स्वर में विनय बोला, माँ। स्वर सुनकर सावित्री जी का आंखें अचानक विनय की ओर देखने लगी और उसे देखते ही देखते गुस्से से बोली, क्या करने आया है हमारे पास, चला जाए यहाँ से। तभी विनय रोते हुए अपनी माँ से बोला, अपने इस नलायक अपने इस नलायक बेटे को बस एक बार माफ कर दीजिए माँ, गलती मेरी ही है जो मैंने ईसा पर आंखें बंद करके भरोसा किया और उस पर यकीन करके आप दोनों की जिम्मेदारी देकर मैं विदेश चला गया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था जब मैं आप लोगों से मिलूंगा तो आपको ऐसी हालत में देखूंगा। लेकिन माँ आज मैं कसम खाता हूँ कि आप लोगों की एक एक परेशानी का हिसाब लूंगा। माँ आप खुद ही सोचिए, क्या आपका विनय आपके साथ कभी ऐसा कर सकता है? आपकी यह हालत देखकर मुझ पर जो बीत रही है वह मैं ही जानता हूँ। इतना कहते हुए विनय अपनी माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगा। विनय ने अपनी माँ और पिताजी को टैक्सी में बिठाया और उन्हें एक अच्छे से होटल में ले गया। वहाँ उन्हें भरपेट खाना खिलाया, वहीं उनके रहने का इंतजाम करवाया। इतने आलीशान होटल को देखकर राधे श्याम जी और सावित्री जी हैरान रह गए। तभी विनय बोला, माँ पिताजी आप यहाँ आराम से बैठिए, सब कुछ ठीक हो जाने पर मैं आपको घर लेकर चलूँगा। सबसे पहले मुझे पूरी बात बताइए ताकि मुझे भी पता चले कि ईसा ने मुझे क्या क्या छुपाया है। बेटा क्या मैं बताऊँ, तेरे जाने के बाद 4-5 महीने तक तो बहू का व्यवहार बहुत अच्छा था, हम तो खुद को बड़े ही खुश नसीब समझ रहे थे और ईश्वर का धन्यवाद शुक्रिया अदा कर रहे थे कि मुझे ऐसा बहू मिली। लेकिन हमें क्या पता था कि बहू का व्यवहार केवल हमें भ्रमित करने के लिए है। जब उसे यह मालूम चला कि तू अभी और 2 साल के लिए अमेरिका में ही रहने वाला है तो उसका रवैया एकदम से बदल गया।
सारा दिन बहू अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती और सारे काम करने का जिम्मा लेकर केवल तेरी माँ का ही था। फिर राधे श्याम जी बोले, बेटा ईसा बहू हमसे रोजाना बर्तमेजी करती थी और यदि तेरी माँ कुछ बोलती तो घर में तांडव मचा देती थी। एक दिन सुबह जब वह हम लोगों के नींद से जागे तो देखा कि बहू घर से गायब थी। हमने पूरा घर छान मारा लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। हमने बहू को फोन लगाया लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। किसी अनहोनी के डर से हमारा दिल अंदर ही अंदर कांप रहा था। दोपहर के समय जब वह घर पर लौटी तो हमारी जान में जान आई, लेकिन हमने देखा कि उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। हम बहुत हैरान रह गए। इससे पहले कि हम उससे कुछ पूछते उसने बोला, माँ पिताजी आप लोग आज के आज और अभी के अभी अपना सामान अपने कमरे में से निकाल लीजिए और स्टोर रूम में रख दीजिए। आज से आप हाल में सोएंगे क्योंकि आज से मेरी माँ इस घर में रहेगी। ये क्या कर रही हो तुम बहू? हम हाल में कैसे सो सकते हैं? तुम्हारी माँ तो कुछ दिनों के लिए आई होगी, तो एक काम करो, तुम्हारी माँ और सावित्री अंदर कमरे में बेड पर सो जाएगी और हम यहाँ हाल में सो जाएंगे। राधे श्याम जी बोले, तो ईसा बोले, मैंने कब कहा कि मेरी माँ यहाँ कुछ दिनों के लिए आई है? यह उनका घर है और वह अब यहाँ हमेशा के लिए रहेगी। और आप लोगों से मैं जितना कहती हूँ उतना कीजिए, आप उतना ही कीजिए, ईसा ने गुस्से से कहा। राधे श्याम जी बोले, बहू तुम्हें मालूम है कि सावित्री की तबीयत ठीक नहीं रहती है, उसकी कमर में बहुत दर्द रहता है, उससे जमीन पर नहीं लेटा जाएगा। वह सब मैं नहीं जानती, जल्दी से कमरा खाली कीजिए, नहीं तो इस घर के दरवाजे खुले हैं, आप लोग अपना इंतजाम खुद देख लीजिए। बहू ईसा की बात सुनकर सावित्री जी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से से बोली, आप जरा विनय को फोन लगाइए, मुझे उससे बात करनी है। और विनय बेटा से बात होने के बाद हमने तुझे कितनी बार फोन मिलाया था, लेकिन तूने एक बार भी हमारा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। यह बात सुनकर विनय हैरान रह गया और बोला, लेकिन माँ पिताजी मेरे पास तो आपका कोई फोन नहीं आया। अरे हाँ याद आया, मेरा फोन नंबर बदल गया था और इसके बारे में मैंने ईसा को भी बताया था और उससे कहा था कि आपको भी इस बात को खबर कर दूँ। फिर राधे श्याम जी बोले, लेकिन बेटा हमें बहू ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, हम तो अब तक यही सोच रहे थे कि तू भी बदल गया है, हमसे मुंह मोड़ लिया है। फिर सावित्री जी बोली, बेटा मैंने बहू को एक बार कहा भी था कि मेरी एक बार विनय से बात करवा दे, तभी ईसा ने कहा मेरे पति ने आपका ठेका नहीं ले रखा है, क्या हर बात आप लोगों को विनय को फोन कर लगाने की बात करने की क्या जरूरत है? वह वहाँ काम करने गए हैं, आराम करने नहीं, और वैसे भी उन्हें सब मालूम है कि उनकी रजामंदी से ही मैं अपनी मम्मी को यहाँ पर लेकर आई हूँ। हाँ पिताजी, मुझे ईसा ने यह बात कहा था कि वह अपनी मम्मी को हमारे घर लेकर आ रही है, क्योंकि उसके भाई भाभी उसकी मम्मी का ठीक से ख्याल नहीं रखते और उनसे झगड़ा करते हैं। लेकिन पिताजी, यदि मुझे मालूम होता कि ईसा आप लोगों को आपके कमरे से निकाल रही है तो मैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं होने देता। फिर राधे श्याम जी नम्र आँखों से कहने लगे, बेटा बहू ने हमारी जो हालत कर दी है, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा और हमने सोच लिया कि यदि रोटी खानी है तो बहू की बातें चुपचाप सुननी होगी। बेटा एक दिन तेरी माँ को बुखार चढ़ा था और मैंने उसकी सेवा में लगा था, वैसे तो पूरे घर का काम तेरी माँ ही करती थी। उस दिन बहू ने आकर कहा कि मेरे मामा जी घर आ रहे हैं, इसलिए माँ जी आज अच्छा सा खाना बनाइएगा। तो मैंने कहा कि कैसी निर्दयी हो बहू, क्या तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है कि तुम्हारी सास बीमार है, तुम्हें इसकी सेवा करनी चाहिए, उल्टा तुम इसे काम करने के लिए बोल रही हो। इस पर समधन जी मुझे कहने लगी कि आप जाकर इनके लिए दवाई ले आइए, दवाई खा लेंगे तो राहत भी मिलेगी और काम में मन भी लगेगा, और वैसे भी तबीयत ठीक हो या नहीं हो घर का काम तो करना ही पड़ेगा। तो बेटा मुझे
समधन जी की यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और मैंने गुस्से से कह दिया कि आप भी एक औरत हैं और आपको मेरी पत्नी का दर्द समझना चाहिए। आज मेरी पत्नी का घर कोई काम नहीं करेगा। फिर सावित्री जी बोली, बेटा उस दिन के बाद ईसा बहू और समधन जी दोनों मिलकर आए दिन हमें बातें सुनाती। बहू ने तो हमें खाना तक देना बंद कर दिया था। जैसे तैसे करके मैं या तेरे पिताजी रसोई में घर में जा करके अपने लिए खाना बनाकर ले आते और खाते। उसमें भी बहू चिल्लाती थी। एक दिन घर पर बहू ने किट्टी पार्टी रखी और घर पर बहू की बहुत सी सहेलियां आई हुई थी। उसी दिन बहू ने हमें कहा कि रसोई में 15 लोगों का खाना बनाना है और तेरे पिताजी को कुछ पैसे देकर बाजार से सामान लाने के लिए भेज दिया और मुझे खाना बनाने के काम पर लगा दिया। यहाँ तक कि जब खाना तैयार हो गया तो सबको परोसने के लिए भी हम दोनों को ही कह दिया। समधन जी और बहू मेहमानों के साथ पत्ते खेलने में व्यस्त थे। सब लोग हंसी के ठहाके लगा रहे थे। बीमार होने कारण मुझसे इतना सब काम नहीं किया जा रहा था। यह सब देखकर तेरे पिताजी का गुस्सा उबल पड़ा और उन्होंने सारा खाना उठाकर फर्श पर गिरा दिया। यह सब देखकर बहू का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोली, आप लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। उधर बहू की माँ मोहिनी जी भी बहू को भड़काते हुए कहने लगी, बेटी ईसा तुम ही इन लोगों को तरस खाकर घर में बैठाए हुए हो, निकाल बाहर क्यों नहीं कर देती इन लोगों को। हाँ माँ आप ठीक कर रही हूँ, इन्हें घर में रखकर मैं इन पर एहसान कर रही हूँ और यह मेरे एहसान के इस तरह का बदला दे रहे हैं। जल्दी से अपना सामान समेटिए और चले जाइए यहाँ से। यह सब बताते हुए सावित्री जी की फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, बेटा तू नहीं जानता बहू ने भरी दोपहर में हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम कहाँ जाते, गांव वाला मकान भी अब तो अपना नहीं रहा। हम लोग सड़क पर आ गए थे। मेरी हालत तो पहले से ही खराब थी। अपमान के तूफान झेलकर तेरे पिताजी भी बीमार पड़ रहने लगे। थोड़ी थोड़ी देर में इन्हें सांस चढ़ने की बीमारी लग गई। हम कहाँ जाते, कैसे खाते, इसलिए हम इस मंदिर के बाहर आकर के बैठ गए। लेकिन तुम हम तक कैसे पहुँचे बेटा। सावित्री जी के पूछने पर विनय ने कहा, माँ आप लोगों को घर से निकालने के बाद ईसा ने मुझसे कहा कि आप लोग तो शांति काकी के पास गांव में चले गए हैं। और जब मैंने कुछ दिनों उसके बाद उससे पूछा कि माँ बाबूजी का फोन क्यों नहीं लग रहा है, तो उसने बताया आपका फोन घर पर ही रखा है और आप लोग गांव वालों के साथ तीर्थ यात्रा पर चले गए, इस कारण आप लोगों से बात नहीं हो पाए। मुझे थोड़ा सा शक भी था क्योंकि यदि आप तीर्थ यात्रा पर जाते तो मुझसे एक बार बात जरूर करते, यूं बिना बताए ना जाते, इसलिए मैं जल्दी काम निपटा कर भारत वापस आ गया। मुझे आप लोगों की बहुत चिंता हो रही थी इसलिए यहाँ माथा टेकने आ पहुँचा और आप लोगों को ऐसी हालत में पाया। लेकिन आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, अब मुझे सब पता चल चुका है। अब तो उस जालिम औरत को मजा चखाने का समय आ गया है। उसे उसकी औकात न दिखाई तो मैं भी आपका बेटा नहीं। ऐसा कहकर विनय अपने घर लौट आया। जैसे ही घर पहुंचा तो देखा कि दोनों माँ बेटी बैठे हुए चाय और स्नैक का आनंद ले रही थी। उसी समय ईसा की माँ मोहनी बोली, बेटी ईसा तूने अपने सास ससुर को यहाँ से निकाल तो दिया, लेकिन एक बार देखना तो चाहिए कि वे लोग कहाँ गए और क्या कर रहे हैं। कहीं उन्होंने दामाद जी को सारी खबर कर दी तो हमारा क्या होगा। अरे माँ आप ही क्या बात करती हैं, जब उन्हें अपने बेटे का फोन नंबर ही नहीं मालूम तो वह उसे फोन कैसे करेंगे। आप निश्चिंत रहिए और वैसे भी उनके आने में अभी बहुत समय बाकी है, तब तक तो वो दोनों स्वर्ग सिधार जाएंगे। ऐसी हालत में भला कितने दिन जीवित रहें, ईसा ने हंसते हुए कहा। तभी मोहनी जी बोली, लेकिन बेटी अगर दामाद जी पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे। ईसा ने कहा, माँ जब तक आपके दामाद जी भारत वापस आएंगे तब तक कुछ सोच लेंगे, अभी तो लाइफ को एंजॉय करो,
यह बातें करते हुए वो दोनों जोर जोर से हंसने लगी। तभी विनय अंदर चला आया और उसे देखते ही ईशा के चेहरे का रंग उड़ गया और ठिठक कर उठ खड़ी। क्या हुआ बिटिया, तुझे सांप क्यों सूंघ गया? ऐसा कहते हुए ईशा की माँ ने दरवाजे की ओर देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे दोनों मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं विनय ने उनकी बातें सुन तो नहीं ली है। उसी समय विनय हंसते हुए बोला, देखा, हैरान रह गई ना मुझे देखकर? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए बिना बताए ही आ गया। विनय की आवाज सुनकर ईशा और उसकी माँ मोहिनी की जान में जान आई। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि विनय ने उनकी बातें नहीं सुनी। थोड़ी देर आराम करने के बाद विनय ईशा के पास आया और बोला, ईशा, एक खुशखबरी है, अब मैं तुम्हें भी अपने साथ विदेश ले चलूँगा। मैं तुम्हारा वीजा भी बनवा लिया है, हम 2 दिन बाद ही अमेरिका के लिए निकलेंगे। माँ और पिता ये तो तीर्थ यात्रा पर चले गए हैं, तो उनका आना अभी नहीं होगा हो पाएगा, और जब आएंगे तो मैं उनसे बात करके उनका यहीं रहने के लिए इंतजाम करवा दूँगा। अब तुम जल्दी से अपनी पैकिंग करो और हम लोग चलते हैं। ईशा यह बातें सुनकर की बाचे खिल उठी, खुशी के मारे उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। तभी मोहिनी जी ने यह बात सब बातें सुन रही थी, परेशान होते हुए बोली, ईशा बिटिया, तुम तो विदेश जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये भी तो सोचो फिर मेरा क्या हो। देखिए माँ, मैं इतने दिन आपको रख कर आपकी सेवा की है, अब आप भैया भाभी के पास वापस जाइए। क्या कोई बेटी के घर भी इतने दिन रहता है क्या? उनसे माफ़ी मांग लीजिए, अब आपके कारण मैं विदेश में जाना तो नहीं छोड़ सकती ना। पता है मैं कितना तरसती थी विदेश में जाने के लिए, और अब आप मौका मिल रहा है तो मैं कैसे ना जाऊँ। अपनी बेटी के मुँह से यह बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह गई। अगले ही दिन उसने अपनी माँ को अपने घर से विदा कर दिया और खुशी खुशी विदेश जाने की तैयारी में जुट गई। जिस दिन उसकी फ्लाइट थी, विनय ने उसे फ्लाइट में बैठा कर कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जब फ्लाइट उड़ने का समय हुआ, तब तक विनय वापस नहीं लौटा। ईशा ने घबराते हुए बैग में से अपना फोन निकाला, तभी उसने देखा कि फोन के पास एक कागज रखा हुआ था। जैसे ही उस कागज को खोलकर देखा, उसने लिखा था, जाओ और खूब मजे करना विदेश में, अब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि किसी इंसान की अकेला और बेसहारा छोड़ने के क्या मतलब होता है। तुमने मेरे माँ पिताजी को घर से धक्के मार कर निकाल दिया, उन्हें दर दर की ठोकर खाने को मजबूर कर दिया था, खून के आंसू रुलाया है तुमने उन्हें, अब तुम भी विदेश में भीख मांगना, और जब भीख मांग कर पैसे इकट्ठे हो जाए तो वापस आ जाना और अपनी माँ के साथ भी रहना, क्योंकि अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। जब तक ईशा ने यह पत्र पढ़ा, तब तक फ्लाइट उड़ चुकी थी। हवाई जहाज में उड़ने के साथ साथ उसे ऐसा महसूस हुआ उसकी जान ही निकलती जा रही है। विदेश में रहने की अपनी इच्छा के कारण वह अपने सास ससुर से छुटकारा पाना चाहती थी, और अपनी इसी इच्छा के कारण ही उसने अपनी माँ को भी बेसहारा छोड़ दिया। आज ईशा विदेश में दर दर की ठोकरें खा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी, क्योंकि आज वो अपने गुने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। इधर राधे श्याम जी और सावित्री जी की शादी की 50वीं सालगिरह पर विनय ने उन्हें एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीद कर दिया और होटल में उन्हें सीधा इस फ्लैट में लेकर गया और बोला, माँ पिताजी, आपको शादी का 50वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, अब आपको आपके इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये घर आपके नाम पर है। बेटे का इतना प्यार देकर राधेश्याम जी अश्रुपूरित आँखें लिए बोले, बेटा, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत गलत समझा। आज उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थी। कुछ समय के बाद विनय के पास ईशा का फोन आया, लेकिन विनय ने उसका फोन काट दिया। उसने कई बार फोन लगाया, लेकिन विनय नहीं उठाया। तब राधे श्याम जी को पूछने पर विनय ने उन्हें सब कुछ बता दिया, किस तरह उसने ईशा को उसके किए की सजा दी।
थोड़ी देर में ईसा का फिर से फोन आया तो राधे श्याम जी ने फोन उठाया। उधर से ईसा रोने लगी, रोते हुए आवाज में बोली, फिर गिड़गिड़ाते हुए बोली, बाबूजी मुझे माफ। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, जिस कारण विनय ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। उन्होंने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। आप ही उन्हें समझाइए ना। मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ईसा के इतना कहने पर राधे श्याम जी ने आप ही उन्हें समझाइए ना मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। ईसा के इतना कहने पर राधे श्याम जी और सावित्री जी का दिल पिघल गया। उन्होंने बेटे से कहकर ईसा के आने का इंतजाम करवाया। दो दिन बाद ईसा घर पहुंच गई। उसने अपने सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगी और उनकी खूबी खूब सेवा करने लगी। आज एक बेटे ने दुनिया वालों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। लेकिन उधर ईसा की माँ मोहनी जब अपने घर पहुंची तो देखा कि उनका सारा सामान स्टोर रूम में शिफ्ट हो चुका है। उनके अपने कमरे में उनके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि उस कमरे में उनकी बहू के पिताजी आराम फरमा रहे थे और टीवी पर गाना बज रहा था कि जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो अच्छी हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें सर। धन्यवाद।